नमस्कार दोस्तों, श्याम एजुकेशन परिवार की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन बीएससी पार्ट फर्स्ट अपना चल रहा था, और बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर लास्ट टर्म पे अपन ने जो देखा था उसके अंदर एक क्वेश्चन देखा था जो लेंथी था, जिसमें इफ एंड ओनली की कंडीशन थी, तो नेसेसरी और सफिशियंट दोनों पार्ट उसमें अपन ने सिद्ध किए थे। आज उसके आगे कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, देखना। यदि ए बी सी तीन समुच्चय हैं, यदि ए बी सी तीन समुच्चय हैं, तो आपको प्रूव करना है पहला ए क्रॉस बी यूनियन सी। ए क्रॉस बी यूनियन सी बराबर होता है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। एक तो ये, दूसरा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ये अपने क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं जो अपने को सिद्ध करने हैं। ठीक है दोस्तों, प्रूफ पार्ट पे अगर अपन चले, तो जैसे पहला प्रूफ करते हैं। अब देखिए कि ए क्रॉस बी होता है वो क्रमित युग्म होता है। ए क्रॉस बी होता है क्रमित युग्म होता है, अपन ने पढ़ा था। ए क्रॉस बी होता है उसके अंदर एलिमेंट क्रमित युग्म के रूप में आते हैं। इसको बोला जाता है कार्टिजन प्रोडक्ट, कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। सेट ए और बी का कार्टिजन प्रोडक्ट होता है वो ए क्रॉस बी होता है। ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट आते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में आते हैं, क्रमित युग्म के रूप में आते हैं, जहां पे पहला एलिमेंट तो पहले सेट का होता है और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट का होता है। ये एक क्रॉस बी है। अब ये क्यों बताया है? क्योंकि इस टाइप से एलिमेंट माननी है यहाँ पे, तो सबसे पहले ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, इसको मैं रफ कर देता हूं। अब देखो आप, इसका एलिमेंट मानना है, जैसे बी सेट और सी सेट है, और बी और सी का यूनियन करने से कोई ना कोई सेट बनेगा। तो मान लो कि बी और सी का यूनियन करने से डी बना, तो अब ए क्रॉस डी हो गया। और ए क्रॉस डी में एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? ए क्रॉस डी में जो भी एलिमेंट होंगे वो अपने क्रमित युग्म के रूप में होंगे। तो मैं मान लेता हूं कि लेट एक्स कोमा वाई जो एलिमेंट है वो किस में है? ए क्रॉस बी यूनियन सी में आप ये एलिमेंट। ठीक है, अब ये एलिमेंट मान लिए इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन दोनों तरफ से चलेगी, तो इसका मतलब पहला एलिमेंट तो पहले सेट का हुआ, एक्स एलिमेंट तो ए का हुआ, और क्रॉस होता है तो बीच में क्या लिखा जाता है? एंड लिखा जाता है हिंदी में बोले तो तथा। और जो दूसरा एलिमेंट है क्रमित युग्म का वो पीछे वाले सेट का है, तो वाई एलिमेंट किसका हो गया? वाई एलिमेंट हो गया बी यूनियन सी का हो गया। भाई एक्स एलिमेंट तो ए का हो गया, जो वाई एलिमेंट है वो बी यूनियन सी का हो गया। चलो ठीक है, अब इस चीज को अपन ये लिख सकते हैं कि भाई एक्स एलिमेंट ए का तथा, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं वाई एलिमेंट बी यूनियन सी में है। तो यूनियन में एलिमेंट होता है, इसका मतलब क्या है कि वाई एलिमेंट बी में है, या फिर जो वाई एलिमेंट है सी में है। यूनियन का यही मतलब होता है कि वाई एलिमेंट बी में है या वाई एलिमेंट सी में है। अब एक बार इन दोनों को ले लेते हैं, फिर एक बार इन दोनों को ले लेते हैं। तो इफ एंड ओनली इफ, अब इन दोनों को साथ लेते हैं, तो मैं लिखूंगा एक्स एलिमेंट ए तथा वाई एलिमेंट बी, एक्स एलिमेंट ए तथा वाई एलिमेंट बी, बीच में ये या लगा दो और फिर से इसको ले लो एक्स एलिमेंट ए था वाई एलिमेंट सी। ओके, अब एक्स एलिमेंट ए में है वाई एलिमेंट बी में है, तो बताओ इस चीज को मैं से लिख सकता हूं ना, एक्स कोमा वाई जो एलिमेंट होगा वो होगा ए क्रॉस बी।
एक्स कोमा वाई एलिमेंट ए क्रॉस बी में होगा, क्योंकि एक्स एलिमेंट ए में है, वाई एलिमेंट बी में है, तो एक्स कोमा वाई जो एलिमेंट ए क्रॉस बी में, बीच में, या एक्स एलिमेंट ए में है, वाई एलिमेंट सी में है, तो मैं ये लिख सकता हूं एक्स कोमा वाई जो एलिमेंट है वो किस में आएगा, ए क्रॉस सी में। त्रिमित युग्म की परिभाषा है ना, एक्स एलिमेंट ए में, वाई एलिमेंट सी में। ओके, अब ये तो ये बोल रहा है कि x कोमा वाई एलिमेंट है वो ए क्रॉस बी में है, और ये ऐसे बोल रहा है कि x कोमा वाई टाइप का जो एलिमेंट है वो ए क्रॉस सी में है। तो बताओ इन दोनों को मैं संयुक्त रूप में ये लिख सकता हूं कि x कोमा वाई जो एलिमेंट है ए क्रॉस बी, और या आ रहा है बीच में, या का मतलब यूनियन, और इसको ए क्रॉस सी, इसके अंदर आ गया। x कोमा वाई एलिमेंट आपने इस सेट का मान के चले थे, x कोमा वाई को इसमें बता दिया, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन नेसेसरी एंड सफिशिएंट जो पार्ट है वो तो दोनों तरफ से चल रहे हैं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि स्पष्ट है कि ये जो सेट है a क्रॉस b यूनियन c वो किसके बराबर हो गया, पहले तो a का इसके साथ क्रॉस करो, a क्रॉस b, बीच में यूनियन का चिन्ह, और ए का सी के साथ क्रॉस करो, तो ए क्रॉस सी, तो इसका एलिमेंट लेके चले थे, इस सेट का एलिमेंट लेके चले थे, इस सेट में बता दिया इफ एंड ओनली की कंडीशन साथ चल रही है, तो पहला वाला रिजल्ट अपना प्रूफ हो गया। इसी प्रकार से अपन सेकंड रिजल्ट प्रूफ करेंगे, तो इजी सा है, बस अपने को ध्यान ये रखना है कि जो एलिमेंट मानेंगे ना दो सेटों का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और जब भी सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है तो जो एलिमेंट माने जाते हैं वो त्रिमित युग्म के रूप में माने जाते हैं, त्रिमित युग्म के रूप में एलिमेंट मान लिया। अब ये भी पता होना चाहिए कि त्रिमित युग्म में जो पहला एलिमेंट होता है वो तो पहले सेट का होता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होता है, और जब क्रॉस की बात करते हैं तो बीच में तथा लिखा जाता है। चलो इसको उतार लीजिए, आसान सा प्रूफ था, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके, अब इसके आगे बढ़ेंगे अपन दोस्तों। चलो ठीक है, अगर ये हो गया तो अब अगला और भी आसान है, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। चलो ये पार्ट करते हैं, सेकेंड पार्ट, ठीक है ना। मेरे को ये बराबर ये बताना है, तो इसका एलिमेंट मान के चलेंगे, इधर बता देना है। मैं तो क्या करूंगा कि मैं मान लेता हूं कि x कोमा वाई जो एलिमेंट है वो इसका है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c का, क्रमित युग्म के रूप में, भाई दो सेटों का कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो क्रमित युग्म के रूप में मैंने क्या कर लिए, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो क्रमित युग्म के रूप में मैंने एलिमेंट मान लिए। इसका मतलब ये होता है कि जो पहला एलिमेंट है वो तो पहले सेट का है, एक्स एलिमेंट तो ए का है, तथा जो पीछे वाला एलिमेंट है वो पीछे वाले सेट का है, वाई एलिमेंट है वो किसका है, बी इंटरसेक्शन सी का, एक्स एलिमेंट तो ए का है, वाई एलिमेंट इसका है। अब इसको x एलिमेंट a का तथा, अब बताओ इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, y एलिमेंट b इंटरसेक्शन c में है, y एलिमेंट b इंटरसेक्शन c का मतलब है कि y एलिमेंट b में भी होगा और y एलिमेंट c में भी होगा, y एलिमेंट b में भी है तथा y एलिमेंट a में भी है, भाई दोनों में होता है तभी तो एलिमेंट इंटरसेक्शन में जाता है। अब एक बार इन दोनों को साथ ले लूंगा, एक बार इन दोनों को साथ ले लूंगा, इन दोनों को साथ लेने का मतलब क्या है, x एलिमेंट a तथा y एलिमेंट b, बीच में ये जो तथा चल रहा है वो, यहां से एक बार इन दोनों को साथ ले लो तो x एलिमेंट a का तथा y एलिमेंट b का। ओके, x एलिमेंट a का y एलिमेंट b का, तो बताओ मैं ये लिख सकता हूं या नहीं, x कोमा y जो एलिमेंट बना वो किसका बना, a क्रॉस b का, भाई x एलिमेंट a का है, y एलिमेंट b का है, तो x कोमा y एलिमेंट a क्रॉस b का है, त्रिमित युग्म की परिभाषा से, बीच में तथा, x एलिमेंट a का है, y एलिमेंट c का है, तो यहां से भी x कोमा y जो एलिमेंट बनेगा वो किसका बनेगा, a क्रॉस c का। चलो ठीक है,
अब ये ऐसे बोलता है कि एक्स कोमा वाई जो एलिमेंट है वो ए क्रॉस बी का है, ये बोलता है एक्स कोमा वाई एलिमेंट है वो ए क्रॉस सी का है। तो दोनों कंडीशंस को एक साथ लिखना चाहूं तो एक्स कोमा वाई जो एलिमेंट है वो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, और ये ए क्रॉस सी के लिए बोलता है तो ए क्रॉस सी का, भाई दोनों के अंदर है तो इंटरसेक्शन के अंदर भी आएगा। और देखो दोस्तों यही तो आपके को सिद्ध करना था, ये आ गया। तो मैं बोल दूंगा अतः क्या रिजल्ट निकल के आया कि आपने जो एलिमेंट माना था वो किसका माना था, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट माना था, तो लास्ट में ये आ गया, मतलब ए का तो बी के साथ क्रॉस करो, फिर बीच में ये इंटरसेक्शन का चिन्ह और आप ए का सी के साथ क्रॉस। तो इस प्रकार से अपन ने ये रिजल्ट प्रूव किया है। सेकेंड वाला आसान सा रिजल्ट था, जब पिछला हो गया था तो इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी। चलो ठीक है, इसको आप पढ़ लेना और कर लेना इस क्वेश्चन को। इसके आगे अपन चलते हैं, आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लिया करो या पॉज करके देख लिया करो, जिससे कि अपना जो टाइम है वो खराब ना हो। कार्टेशियन प्रोडक्ट की परिभाषा आपको आनी चाहिए, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वेशन है। चलो ठीक है, अपन आगे चले, अब इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि यदि एबीसीडी चार सेट हैं तो अपने को सिद्ध करना है, कुछ दे रखा है। यदि ए बी सी डी चार समुच्चय हैं, यदि ए बी सी डी चार समुच्चय हैं तो अपने को ये प्रूव करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी बराबर होता है ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। अच्छा ये थोड़ा इसको सही करो, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, ये अपने को बताना है। चलो ठीक है, जो भी है वो बता देंगे अपन। ए बी सी डी चार सेट दिए हैं तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, उसको इसका एलिमेंट बताना है, इन दोनों सेट्स को बराबर बताना है। इसके एलिमेंट लेके चलेंगे और इधर बता देंगे इफ एंड ओनली की कंडीशन दोनों तरफ से चलेगी। सबसे पहले तो ये देखो कि भाई इसमें क्रमित युग्म दिया हुआ है, और जब भी क्रमित युग्म दिया हुआ होता है तो पेयर के रूप में एलिमेंट माने जाते हैं, तो एक्स कोमा वाई टाइप के एलिमेंट माने जाएंगे, जिसमें क्रमित युग्म में जैसे ए क्रॉस बी क्रमित युग्म है तो आप ए कोमा बी टाइप के एलिमेंट मानोगे, जिसमें प्रथम एलिमेंट है वो तो क्रमित युग्म के पहले वाले सेट का होता है और द्वितीय एलिमेंट है वो द्वितीय वाले सेट का होता है। तो सॉल्यूशन पार्ट पे अपन चले, सॉल्यूशन पार्ट पे चले तो एलिमेंट जो मानूंगा इसका, मैं मान लेता हूं कि लेट एक्स कोमा वाई जो एलिमेंट है वो इसका है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, इसका एलिमेंट है। ओके, इसका एलिमेंट है। तो दोस्तों आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि जब ये एलिमेंट ये सेट इंटरसेक्शन ये सेट आ रहा है, इसका मतलब ये एलिमेंट है वो दोनों सेटों में था तभी तो इंटरसेक्शन में गया, तो मैं ये बोल सकता हूं कि x, y है वो a क्रॉस b में भी है तथा x, y है वो c क्रॉस d में भी है। भाई x, y है वो a क्रॉस b में है और x, y है वो c क्रॉस d में है, अगर दोनों सेट में है तो इंटरसेक्शन में भी हो गया, सही है ना बात। अच्छा अब देखो, अपन ने जो पहले पढ़ा था वो नॉलेज काम में आएगा। x, y ये जो क्रमित युग्म है वो a क्रॉस b में आ रहे, तो बताओ पहला एलिमेंट तो पहले सेट का है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का है, तो मैं बोलूंगा x एलिमेंट a का है तथा y एलिमेंट किसका है, y एलिमेंट b का है। x एलिमेंट तो a का है और y एलिमेंट b का है,
तथा ये चल रहा है। अब इसमें भी पहला एलिमेंट तो पहले सेट का है, एक्स एलिमेंट तो सी का है और वाई एलिमेंट डी का है, क्लियर। अब देखिए एक बार एक्स 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 को एक जगह ले लो और वाई को एक जगह ले लो, तो ये तो बोलता है एक्स एलिमेंट ए का है तथा ये ऐसे बोलता है एक्स एलिमेंट सी का है, एक्स एलिमेंट सी। ये बोलता है कि वाई एलिमेंट बी का है और यहां से ये है कि भाई वाई एलिमेंट किसका है, बी का है, क्लियर। एक्स वाले को एक जगह ले लिया और वाई वाले को एक जगह ले लिया। एक्स एलिमेंट ए का है, एक्स एलिमेंट सी का है, तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि एक्स एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन सी का है। भाई एक्स एलिमेंट ए में भी है तथा एक्स एलिमेंट सी में भी है, तो एक्स एलिमेंट बन गया ए इंटरसेक्शन सी में, बीच में तथा। यहां से वाई एलिमेंट बी में है, वाई एलिमेंट डी में है, तो मैं बोलूंगा कि वाई एलिमेंट है बी इंटरसेक्शन, बी इंटरसेक्शन डी में भी है, यहां से आ गया। अच्छा, एक्स एलिमेंट ए इंटरसेक्शन सी का है, वाई एलिमेंट बी इंटरसेक्शन डी का है, तो बताओ दोस्तों मैं ये बोल सकता हूं ना कि एक्स कोमा वाई जो एलिमेंट बना वो किसका बना, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। पहला एलिमेंट तो पहले सेट का हो गया और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का, देख लो एक्स एलिमेंट इंटरसेक्शन सी में था, वाई एलिमेंट में इंटरसेक्शन डी में आया, तो बताओ इन दोनों का मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा, ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन डी का, तो एक्स कोमा वाई को कर्मकयोग के रूप में लिख दूंगा ना, तो यहां से कुल मिला के ये लेके चला था एक्स कोमा वाई एलिमेंट को आपने इस सेट में लेके चले थे, एक्स कोमा वाई एलिमेंट को इस सेट में आपने बता दिया, तो मैं ये बोल सकता हूं इसलिए आप ये तो लेके चले थे एक्स कोमा वाई एलिमेंट को आप लेके चले थे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, इसमें तो लेके चले थे और आपने इसमें बता दिया एक्स कोमा वाई एलिमेंट को ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, इसमें बता दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ए इंटरसेक्शन बी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, ये जो सेट बना ये इस सेट के बराबर आ गया, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी के बराबर। इस प्रकार से ये भी ऐसा ही क्वेश्चन था जैसे अपन ने पहले क्वेश्चंस किए थे उसी टाइप का क्वेश्चन था, तो एक बार आप इसको राइट डाउन कीजिए, समझ में नहीं आता तो वीडियो को पॉज करके आप देख लिया करो दोस्तों, बहुत तो आसान से क्वेश्चन है ये। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करें। एक क्वेश्चन दे रखा है, आसान सा क्वेश्चन है, चलो इसको उठा देते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि इफ अगर ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, देन आपको प्रूव करना है, आपको क्या सिद्ध करना है, ए रिंग सम बी बराबर होता है बी माइनस ए, ये बताना है। ए है वो बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, इसका मतलब कि ए का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो बी में है, तो ए रिंग सम बी बराबर बी माइनस ए बताना है। अब ए रिंग सम बी का मतलब क्या होता है, इसको ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस बोला जाता है, मैंने आपको पहले पढ़ाया था ना कि ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, उसकी सहायता से आ जाएगा। तो इसके प्रूफ पार्ट पे अगर चले, प्रूफ पार्ट पे अगर अपन चले तो मैं लिखूंगा ये ए रिंग सम बी, ए रिंग सम बी बराबर होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, या पहले देख लेना ये पढ़ाया हुआ है सिमेट्रिक डिफरेंस। अच्छा, इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर वन, क्योंकि ए को बी का सबसेट दिया है, ए को सबसेट दिया हुआ है बी का,
ए को बी का सबसेट दिया हुआ है, तो बताओ आप ए यूनियन बी करोगे तो किसके बराबर आएगा, बी के बराबर आएगा। जब ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो ए और बी का यूनियन बी के बराबर आएगा, और ए है वो बी का सबसेट है, तो ए और बी का जो इंटरसेक्शन करोगे वो किसके बराबर आएगा, ए के बराबर आएगा। अरे भाई दोनों के अंदर एक सेट ए है एक सेट बी है, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी है बी के अंदर है, तो ए इंटरसेक्शन बी तो ए के बराबर है, और ए यूनियन बी किसके बराबर है, बी के बराबर है। ये दोनों वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं, देन इक्वेशन वन, देन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में इन दोनों को पुट करेंगे तो ए रिंग सम बी बराबर, देखो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी की जगह तो कितना लिख दो बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी की जगह कितना लिख दिया ए, तो ए यूनियन बी की जगह तो लिख दिया मैंने, ए यूनियन बी की जगह लिख दिया बी, ए इंटरसेक्शन बी की जगह लिख दिया ए, तो ए रिंग सम बी का जो मान आया वो आया बी माइनस ए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन भी आप देख लेना, ये जो भी क्वेश्चंस हैं उनको अपनी जो मेन नोटबुक है उसमें नोट करते जाना, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने क्वेश्चन अपन करवाएंगे। इस प्रकार से 1.1 के अंदर मेरे को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे थे वो तो मैंने बता दिए हैं, बाकी के क्वेश्चन आप भी करना, और भी जो इंपॉर्टेंट है आरयू में आई हुई है वो क्वेश्चन भी अपन कर लेंगे। चलो ठीक है, अभी इसके आगे थोड़ा बढ़ते हैं अपन, इसको राइट डाउन करो दोस्तों। ओके, अब पढ़ेंगे गणितीय आगमन का सिद्धांत, जिसका एक क्वेश्चन डेफिनेट आपकी जो बीएससी पार्ट फर्स्ट की जो मेन एग्जाम होगी राजस्थान यूनिवर्सिटी की, उसके अंदर आएगा गणितीय आगमन का सिद्धांत के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो सबसे पहले तो एक शब्द तो होता है आगमन और एक होता है निगमन, एक तो होता है आगमन और एक क्या होता है निगमन। अब आगमन और निगमन में क्या अंतर है भाई, आगमन को बोला जाता है इंडक्शन और निगमन को बोला जाता है डिडक्शन। आगमन का मतलब क्या है कि जैसे 11th क्लास में अपन ने पढ़ा था गणितीय आगमन का सिद्धांत, तो उसमें क्या करते थे भाई, कोई भी कथन अपने को दिया जाता था, वो मान ले कि भाई एन बराबर वन के लिए सत्य है, एन बराबर टू के लिए सत्य है, अगर सत्य है तो आप एन बराबर एम के लिए सत्य मान लोगे, और एन बराबर एम के लिए सत्य मान लोगे तो एम प्लस वन के लिए अगर आपने उसको सत्य बता दिया तो फिर बोल देंगे कि भाई ये जो अपना जो कथन दिया गया है वो प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए सत्य है या प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए सत्य है, यही करते हैं ना। तो गणितीय आगमन में तो क्या करते हैं कि भाई कोई भी कथन या साध्य है, साध्य अपन अपन पढ़ रहे थे ना प्रोपोजिशन, जो अपने चैप्टर का नाम था सेट्स एंड प्रोपोजिशन, तो प्रोपोजिशन को बोला जाता है साध्य बोला जाता है, या फिर उसके स्टेटमेंट बोल दो कथन, अगर कोई भी कथन या साध्य किसी विशेष स्थिति में सत्य होने पर व्यापक स्थिति में भी सत्य हो तो उसे तो कहते हैं आगमन सिद्धांत। जैसे गणितीय आगमन के सिद्धांत में एन बराबर वन एन बराबर टू के लिए सिद्ध करते हैं ना, तो वो तो विशेष स्थिति होगी, और फिर वो एन बराबर वन और एन बराबर टू लेकर आप जनरल केस के लिए बता देते हो कि प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए सत्य है, तो वो क्या हो गया अपना व्यापक स्थिति। तो एक तो होता है आगमन का सिद्धांत, आगमन के सिद्धांत में क्या होता है कि यदि कोई भी कथन या साध्य है विशिष्ट स्थिति में सत्य होने पर व्यापक स्थिति में भी सत्य हो तो उसे तो कहा जाता है आगमन का सिद्धांत। निगमन इसका जस्ट उल्टा है, निगमन में क्या है कि कोई भी सिद्धांत है या कोई भी कथन है वो अगर जनरल केस में सत्य है, व्यापक स्थिति में सत्य है, तो विशिष्ट स्थिति में भी सत्य होता है, इसको कहा जाता है निगमन का सिद्धांत। तो एक बार तो मैं इन दोनों की परिभाषा लिखा देता हूं, और यहाँ पे अपन गणितीय आगमन के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका एक क्वेश्चन लगभग हर साल एग्जाम में आता है, तो इम्पोर्टेंट ये पोर्शन है अपने फर्स्ट यूनिट का। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, तो एक तो इसमें लिखता हूं मैं आगमन सिद्धांत, आगमन सिद्धांत किसको बोला जाता है, डिडक्शन, डिडक्शन प्रिंसिपल, डिडक्शन प्रिंसिपल, डिडक्शन प्रिंसिपल, आगमन सिद्धांत। अच्छा डिडक्शन तो निगमन बोला जाता है, आगमन को बोला जाता है इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन होता है ना, इंडक्शन प्रिंसिपल। और एक अपन पढ़ेंगे निगमन सिद्धांत,
निगमन सिद्धांत, निगमन सिद्धांत को बोला जाता है डिडक्शन प्रिंसिपल, आगमन सिद्धांत और निगमन सिद्धांत क्या होता है देखो। चलो इसको इंडक्शन लिख लो आपको और इसको लिख लो डिडक्शन, इतना लिख लो। आगमन में क्या होता है, यदि कोई भी कथन, यदि कोई भी कथन या स्वाध्याय, साध्य का मतलब भी स्टेटमेंट ही होता है, यदि कोई भी कथन या साध्य, आगमन में तो n बराबर 1 और n बराबर 2 के लिए तो सिद्ध करते हैं, फिर जनरल केस के लिए अपन बता देते हैं, तो n बराबर 1 n बराबर 2 वो तो विशिष्ट स्थिति होगी, यदि कोई भी कथन या साध्य विशिष्ट स्थिति में सत्य होने पर, विशिष्ट स्थिति में सत्य होने पर, सत्य होने पर, यदि कोई भी कथन या साध्य विशिष्ट स्थिति में सत्य होने पर व्यापक स्थिति में भी सत्य होता है, व्यापक स्थिति में भी सत्य होता है, में भी सत्य होता है, तो इसे आगमन सिद्धांत कहा जाता है, तो इसे आगमन सिद्धांत कहा जाता है, तो इसे आगमन सिद्धांत कहा जाता है। भाई कोई भी कथन है वो विशिष्ट स्थिति में सत्य होने पर व्यापक स्थिति में भी सत्य होता है, तो आगमन सिद्धांत कहा जाता है। और निगमन सिद्धांत में क्या है, यदि कोई भी कथन है, यदि कोई भी कथन या साध्य, इसका जस्ट उल्टा होता है, आगमन का जस्ट उल्टा निगमन होता है, कि कोई भी कथन या साध्य व्यापक स्थिति में सत्य होने पर, व्यापक स्थिति में सत्य होने पर विशिष्ट स्थिति में भी सत्य हो, तो व्यापक स्थिति में सत्य होने पर विशिष्ट स्थिति में भी सत्य हो तो सत्य हो तो उसे निगमन सिद्धांत कहा जाता है, उसे निगमन सिद्धांत कहा जाता है। और अपन निगमन के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे भैया, अपन किसके बारे में अध्ययन करेंगे, आगमन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो याद रखना निगमन की परिभाषा में यह है कि भाई कोई भी कथन है या कोई भी स्टेटमेंट है, अगर वो जनरल केस में सत्य है, व्यापक स्थिति में सत्य है, तो वो प्रत्येक विशिष्ट स्थिति में सत्य होता है, ये तो निगमन कहलाता है। और आगमन में विशिष्ट, देखो आगमन में तो विशिष्ट से जनरल की तरफ जाते हैं, विशिष्ट कंडीशन से, मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसमें तो पर्टिकुलर कंडीशन से जाते हैं जनरल कंडीशन की तरफ, इसमें तो पर्टिकुलर कंडीशन विशिष्ट स्थिति से किसकी तरफ जाते हैं, जनरल कंडीशन की तरफ जाते हैं, कि अगर कोई कथन है वो विशिष्ट स्थिति में सत्य होने पर व्यापक स्थिति में भी सत्य हो तो वो तो आगमन कहलाता है। निगमन में जस्ट उल्टा होता है कि जनरल कंडीशन से व्यापक स्थिति से इसकी में जाते हो पर्टिकुलर कंडीशन पे, पर्टिकुलर कंडीशन पे। तो ये दोनों में अंतर है कि भाई इसमें तो विशिष्ट स्थिति से व्यापक स्थिति में जाओ और यहां व्यापक स्थिति से अपनी पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर जाओ। ठीक है दोस्तों, ये आगमन सिद्धांत और निगमन सिद्धांत, इनकी परिभाषा देख लीजिए। निगमन के बारे में तो अपने को पढ़ना नहीं है, अपन इस चैप्टर में आगमन सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे जो अपन कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार आप इसको उतारिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस की सहायता से मैं आपको बताता हूं, और आगमन सिद्धांत का एक क्वेश्चन है जो हर साल आता है, जैसे क्वेश्चन आया अपना 18, इसको आप नोट्स बनाते रहना साथ के साथ,
क्वेश्चन ये आया गणितीय आगमन के सिद्धांत की सहायता से सिद्ध करो, क्वेश्चन के ऊपर लिख के आएगा ऐसे, क्वेश्चन आया गणितीय आगमन के सिद्धांत, गणितीय आगमन के सिद्धांत की सहायता से अपने को सिद्ध करना है कि एन प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, एन प्राकृत संख्याओं के घनों का योग होता है एन एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। गणितीय आगमन के सिद्धांत की सहायता से यह बताना है कि एन प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, घन है ना उनका योग एन एन प्लस वन अपॉन टू, 12th में पढ़ा हुआ है ना कि एन प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ये होता है। तो इसको अपने को गणितीय आगमन के सिद्धांत की सहायता से बताना है, गणितीय आगमन के सिद्धांत की सहायता से इसको प्रूव करना है। ओके फ्रेंड्स, प्रूफ पार्ट पे अपन चलते हैं। अब देखना भाई, जो भी कथन दिया गया है उसको पीएन से दर्शा दो। क्यों? क्योंकि भाई जो साध्य होता है ना, साध्य बोल दो या कथन बोल दो एक ही बात है, उसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रोपोजिशन। क्या बोला जाता है? प्रोपोजिशन। तो इसको पी से दर्शाएंगे बार बार। देखना, माना कि दिया गया कथन है, मान लो ये जो दिया गया कथन है उसको पी एन से दर्शा रहे हैं, तो पी एन जो है वो कितना है, 1³ + 2³ + 3³ + n³ = n n प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। ये अपने को दिया गया कथन है। गणितीय आगमन के सिद्धांत की सहायता से बताएंगे, तो सबसे पहले तो मैं लिखता हूं n बराबर वन के लिए। क्या लिखूं? n बराबर वन के लिए, n बराबर वन के लिए। भाई n बराबर वन के लिए ये साइड तो लेफ्ट साइड है, और ये जो साइड है वो कौन सी है? राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में n बराबर वन के लिए आप पी वन लिखोगे तो पी वन का मान कितना आएगा? n बराबर वन के लिए पी वन लिखोगे तो n बराबर वन के लिए केवल आपको एक टर्म लेनी पड़ेगी, तो आप लिखोगे 1³, और 1³ का मान कितना होता है? 1। तो ये तो हो गया एल एच एस, एन बराबर वन के लिए एल एच एस। भाई ये तो लेफ्ट हैंड साइड होगी, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो मान वन आया। अब मैं बात करता हूं आर एच एस, जिसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। आर एच एस कौन सी है? ये। तो इसमें एन बराबर वन इसमें पुट करूंगा आर एच एस में, तो वन, यहां तो एन बराबर वन रखा तो वन, वन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। तो वन और वन टू, टू से टू कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के आया वन। तो एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया एन बराबर वन के लिए। इसलिए एन बराबर वन के लिए मैं लिखूंगा, एन बराबर वन के लिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, एन बराबर वन के लिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया। तो मैं कह सकता हूं अर्थात अर्थात दिया गया कथन है, अर्थात दिया गया कथन है एन बराबर वन के लिए सत्य है। अर्थात दिया गया जो कथन है वो एन बराबर वन के लिए क्या है? सत्य है। एन बराबर वन हो गया। एक बार एन बराबर टू और देख लेते हैं। एन बराबर टू के लिए, एन बराबर टू के लिए, एन बराबर टू के लिए, एन बराबर टू के लिए सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड की बात करो। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में एन बराबर टू की बात करें तो टू तक की टर्म लेनी है। अब सम है तो आप पहली टर्म और दूसरी टर्म दो को लो। एन बराबर टू के लिए आपको दो टर्म लेनी, एन बराबर तीन के लिए करना होता तो इतनी टर्म्स का सम करते, तो एन बराबर टू के लिए इतनी टर्म्स का सम करेंगे। तो ये तो कितना है? ये तो है 1³, और ये कितना है? ये है 2³। तो 1³ का मान तो 1 होता है, और 2³ का मान 8 होता है। तो n बराबर 2 के लिए जो लेफ्ट हैंड साइड बना वो तो कितना बन गया? 9। अब एक बार राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड, n बराबर 2 यहां रखो भाई, तो ये कितना है? 2, 2 प्लस 1 अपॉन 2, n की जगह 2 स्क्वायर। इस 2 से 2 कटा, 3 स्क्वायर का मान कितना आया? 9।
LHS में तो n बराबर 2 की बात करेंगे तो 2 टर्मों का सम करना है, n बराबर 3 की बात करेंगे तो आप 3 टर्मों का सम करके देख लेना। तो n बराबर 2 के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आई, तो मैं लिखूंगा n बराबर 2 के लिए, n बराबर 2 के लिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अर्थात अर्थात दिया गया कथन है, दिया गया कथन है, दिया गया कथन है n बराबर 2 के लिए, बताओ क्या है n बराबर 2 के लिए सत्य है, दिया गया कथन n बराबर 2 के लिए सत्य है। n बराबर 1 के लिए सत्य बता दिया, n बराबर 2 के लिए सत्य बता दिया, n बराबर m के लिए मान लो, माना माना दिया गया कथन है माना दिया गया कथन है एन बराबर एम के लिए सत्य है, माना दिया गया जो कथन है वो एन बराबर एम के लिए सत्य है। तो एन बराबर एम के लिए सत्य है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एन बराबर एम के लिए सत्य है तो आपको लिखना पड़ेगा इस चीज को, तो n बराबर m पुट करोगे तो ये बन गया pm, इसमें n बराबर m पुट करो 1 cube 2 cube m cube बराबर ये बना m m प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ऐसा बन गया n बराबर m के लिए मान लिया कथन सत्य है। अब हमें क्या सिद्ध करना है, लिख देता हूं, तब हमें सिद्ध करना है कि अब हमें सिद्ध करना है कि तो हमें सिद्ध करना है कि दिया गया कथन n बराबर m के लिए तो मान लिया, हमें सिद्ध करना है कि दिया गया कथन n बराबर m प्लस 1 के लिए भी ही ये भी सत्य होगा। तो n बराबर 1 और 2 के लिए बता दिया, n बराबर 1 और 2 के लिए बता दिया, n बराबर m के लिए अपन ने मान लिया और n बराबर m प्लस 1 के लिए सिद्ध करेंगे, n बराबर m प्लस 1 के लिए सिद्ध करेंगे, इसका मतलब क्या है, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूं। तो देखो जैसे m टर्म का सम है वो m क्यूब तक जा रहा है, बताओ इससे एक अगली टर्म लिखना चाहता हूं मैं, इससे अगली टर्म लिखना चाहता हूं, तो ये mv टर्म का मतलब m क्यूब, तो बताओ इससे जस्ट अगली टर्म आएगी वो m प्लस 1 का होल क्यूब आएगा ना, अरे 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब m टर्मों का सम तो m क्यूब, और इससे एक टर्म को एक्स्ट्रा लोगे m प्लस 1 तक चलोगे ना, m प्लस 1 तक चलोगे तो आप अगला जो यहां टर्म आएगी वो कितनी आएगी m प्लस 1 का होल क्यूब। तो मैं ये लिखता हूं कि समीकरण 1 में दोनों तरफ है, समीकरण 1 में दोनों तरफ है एम प्लस 1 का होल क्यूब जोड़ने पर, दोनों तरफ एम प्लस 1 का होल क्यूब जोड़ने पर, तो इधर जोड़ोगे तो वो बनेगा 1 क्यूब 2 क्यूब एम क्यूब और एक एक्स्ट्रा टर्म आपने ऐड कर दी एम प्लस 1 का होल क्यूब। तो बताइए जब इधर एक्स्ट्रा टर्म m प्लस 1 का होल क्यूब ऐड किया तो इधर भी करना पड़ेगा, तो ये है m m प्लस 1 अपॉन 2 और उसका स्क्वायर, ये तो पहले से था और आपने m प्लस 1 का होल क्यूब और ऐड कर दिया, तो ये टर्म तो चली रही है इसके बराबर में ये है, तो इसी को सोल्व कर लेता हूं, इसको सोल्व करूंगा तो ये देखो ये है m स्क्वायर, इसको खोल देते हैं m प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4, इस स्क्वायर को खोला तो ये, और ये कितना है m प्लस 1 का होल क्यूब, दोनों तरफ m प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, तो m प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन आया तो इधर तो बना m स्क्वायर बटे 4 और इधर कितना बना पीछे पीछे बना m प्लस 1, भाई m प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद में ये तो m स्क्वायर बटे 4 ये m प्लस 1, इस चीज को मैं लिख सकता हूं m प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां एलसीएम लिया तो एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 और ये अपॉन 4 ये बना
एम प्लस वन का होल स्क्वायर। और ये देखो दोस्तों इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, एम प्लस टू का होल स्क्वायर बटे चार, एम प्लस वन का होल स्क्वायर, एम प्लस टू का होल स्क्वायर बटे चार। अच्छा ये बराबर में किसके चल रहा है, इसके। तो अब इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, एम प्लस वन एम प्लस टू अपॉन टू, और इसका भी क्या, एम प्लस वन एम प्लस टू अपॉन टू का होल स्क्वायर। तो कुल मिला के ये आ गया इसलिए वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस एम क्यूब, और एक एक्स्ट्रा टर्म क्या जोड़ी थी, एम प्लस वन का होल क्यूब, बराबर ये आया एम प्लस वन। और एम प्लस टू को मैं क्या लिख सकता हूं, एम प्लस वन लिख दो और अपॉन टू का होल स्क्वायर। अब देखो दोस्तों आप यहां एम की जगह एम प्लस वन रखो, जब एम प्लस वन रखोगे तो इस एम की जगह एम प्लस वन आएगा, ये एम प्लस वन आ गया, और इस एम की जगह भी एम प्लस वन आएगा, ये आ गया। तो बताओ जब आपने एम की जगह आपने एक एक्स्ट्रा टर्म एम प्लस वन ले ली, तो अपना जो दिया गया कथन था वो जो एन के लिए सेटिस्फाई हो रहा था, एन के लिए सेटिस्फाई हो रहा था, वो बताओ फिर एक एक्स्ट्रा टर्म के लिए भी सेटिस्फाई हो गया ना, या फिर अपन ने ये माना था कि दिया गया कथन एन बराबर एम के लिए सत्य था, वो कथन अपना एन बराबर एम प्लस वन, एन बराबर एम प्लस वन के लिए भी सत्य हो गया। आप इसमें एन बराबर एम प्लस वन पुट करो, इसमें एन बराबर एम प्लस वन पुट करोगे तो ये तो एम प्लस वन की पावर क्यूब तक जाएगा, एम तो ये एम प्लस वन की पावर तीन तक चला गया, और इधर एन बराबर एम प्लस वन पुट करोगे तो ये एम प्लस वन, ये एम प्लस वन, यहाँ एन बराबर एम प्लस वन रखा तो एम प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। तो मैं ये कह सकता हूं कि स्पष्ट है कि दिया गया कथन है वो एन बराबर एम प्लस वन के लिए भी सत्य है। तो एक बार इतना तो उतार लीजिए, इसके बाद में अपन लिखेंगे इसके अंदर। तो ये n बराबर m प्लस वन के लिए भी सत्य हो गया, क्यों हो गया, अब n की जगह m प्लस वन लिखो इसके अंदर, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है देखो ये आ गया। ओके तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके देख लिया करो दोस्तों, ये गणितीय आगमन का सिद्धांत के ऊपर ये क्वेश्चन है, और एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर यहां से आता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब राइट डाउन कीजिए इसको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मैं हटा देता हूं थोड़ा सा, अच्छा तो इतना आ गया ना, एन बराबर एम प्लस वन के लिए सत्य हो गया, तो मैं लिखूंगा अर्थार्थ, इसके आगे लिखना है कंटिन्यू आपको, अर्थार्थ दिया गया कथन है, दिया गया कथन है एन बराबर एम प्लस वन के लिए सत्य है, एन बराबर एम प्लस वन के लिए सत्य है, दिया गया जो कथन है वो एन बराबर एम प्लस वन के लिए सत्य है, अतः ये लास्ट का कंक्लूजन, अतः कथन पी एन, कथन को पी एन नाम दिया था ना शुरू में, अतः कथन पी एन प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, प्रत्येक अतः कथन पी एन गणितीय आगमन के सिद्धांत से, अच्छा लिखूंगा अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से, गणितीय आगमन के सिद्धांत से, आगमन के सिद्धांत से कथन पी एन, कथन पी एन प्रत्येक प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए, प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए बताओ क्या होगा, सत्य होगा, यह गणितीय आगमन का सिद्धांत होता है। तो अब पता चल गया ना, ऐसे क्वेश्चन 11th क्लास में है आपकी मैथमेटिक्स में, गणितीय आगमन का सिद्धांत तो पूरा का पूरा वहां है। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत भी क्या करते हैं कि जो भी कथन दिया है एन बराबर वन के लिए सत्य बताते हैं, एन बराबर टू के लिए बताते हैं, एन बराबर एम के लिए मान लेते हैं, और एम प्लस वन के लिए फिर से बता देते हैं। एन बराबर एम प्लस वन के लिए बताने के बाद में अपन बोलेंगे कि भाई ये तो प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के लिए सत्य है,
इसको गणितीय आगमन का सिद्धांत कहा जाता है। तो एक बार आप इसको राइट डाउन कीजिए दोस्तों, इसके आगे के जो क्वेश्चन है उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे इसके बाद में। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। ओके, अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। चलो मैं हटा देता हूं इसको। अब एक क्वेश्चन हो रहा है, ये अपना बीएससी पार्ट फर्स्ट था, वो कंटिन्यू है। क्वेश्चन क्या है, गणितीय आगमन के सिद्धांत से, गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध करो गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध करो कि क्या सिद्ध करना है, वन अपॉन वन डॉट थ्री प्लस वन अपॉन थ्री फाइव। अच्छा, पांच पे खत्म हो रहा है तो अगला पांच से चल रहा है, तो कुल मिला के विषम संख्या है तो टू एन माइनस वन, और दो दो का अंतर चल रहा है टू एन प्लस वन बराबर एन अपॉन बराबर एन अपॉन टू एन प्लस वन। ये क्वेश्चन है। अब अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे, भाई गणितीय आगमन के सिद्धांत से ये सिद्ध करना है। सारे ओड नंबर्स हैं और वो चल रहे हैं।